सो गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम मनीष गुप्ता है, आपका स्वागत है हमारे चैनल के अंदर एक और न्यू फ्रेश वीडियो के अंदर। अगर गाइस आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो, अगर आप लोगों को लोन चाहिए गाइस अर्जेंटली कोई काम के लिए, 10,000 रुपये तक का आपको कोई लोन चाहिए गाइस, तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जहाँ पर गाइस आपको इंस्टेंट लोन मिलेगा। यहाँ पर गाइस आप 500 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक यहाँ से ले सकते हो लोन। इस एप्लीकेशन की खास बात यह है गाइस, ये जो लोन इंस्टेंट तो देती है, पर अगर आप किसी अपने दोस्तों को इस एप्लीकेशन के अंदर ज्वाइनिंग करवाते हो ना गाइस, तो यहाँ पर आपको एक रेफ़र करने के 50 रुपये मिलेंगे। जी हाँ गाइस, यहाँ पर एक रेफ़र करने के 50 रुपये आपको मिलेंगे। तो कौन सी एप्लीकेशन, मैं सबको समझाने वाला आज के इस वीडियो के अंदर। तो पूरा यहाँ पर साइनअप प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आपको करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है गाइस साइनअप प्रोसेस में, तो आप यहाँ नीचे कमेंट में हम मुझसे पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को 5 से 6 घंटे के अंदर रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे से एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट होगी फ्रेंड्स, अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लो ऑल पर क्लिक करके, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिलता रहे। सो गाइस यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है गाइस, आप जो वीडियो देख रहे हो वीडियो को टाइटल बार पे क्लिक करने से, आप टाइटल बार पे क्लिक करोगे तो आपको एक एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, तो उस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हो गाइस, तो आप प्ले स्टोर पर आ जाओगे। जैसे ही आप प्ले स्टोर पर आते हो गाइस, तो आपको करना क्या है, इंस्टॉल पर क्लिक कर लेना है। एंड जैसे ही आप इंस्टॉल कर लेते हो, इंस्टॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। एंड जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करते हो गाइस, तो यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हो गाइस, तो यहाँ पर आपको एरो का आइकन मिल जाएगा, तो इस एरो का आइकन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर टिक कर रहे हैं, टिक करने के बाद ओके अलाउ पे क्लिक कर लेना है। एंड जितने बार भी अलाउ मांगा जाता है, यहाँ पर आपसे 4 बार अलाउ मांगा जाता है, आपको यहाँ 4 बार अलाउ कर लेना है। एंड उसके बाद में गाइस आपसे पासवर्ड वगैरह पूछा जाएगा। तो गाइस आपको पासवर्ड में, जैसे कि आपका नाम पंकज है, ठीक है, अगर आपका नाम पंकज है तो गाइस आपको कैसे करना, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आपका जो पहला लेटर है कैपिटल होना चाहिए और कुछ लेटर उसमें स्मॉल आना चाहिए गाइस। और अगर आपके नाम के बीच में ए वगैरह आई वगैरह आता है, तो आप एट द रेट को यूज़ कर सकते हो सिंबल को, ठीक है, तो आपको उसमें एक सिंबल भी यूज़ करना होगा। उसके बाद में आपके नाम के बाद नंबर यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपका नाम होगा नंबर यूज़ करो गाइस, तब भी पासवर्ड कन्फर्म हो जाएगा। तो उसके बाद में गाइस आपको लॉगिन वगैरह कर लेना, लॉगिन वगैरह जैसे ही आप कर लेते हो लॉगिन वगैरह, तो गाइस यहाँ पर आपको करना क्या, अलाउ पे क्लिक कर लेना है। अलाउ पे क्लिक करने के बाद अब गाइस यहाँ पर आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक करते हो गाइस, तो यहाँ पर आपको करना है स्टार्ट पे क्लिक कर लेना। तो यहाँ पर कुछ डिटेल मांगा जाएगा आपसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर आपको बर्थडे पूछा जाएगा, तो आपका जो भी बर्थडे डेट है गाइस यहाँ पर आपको एंटर कर देना। उसके बाद में गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो गाइस, तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा आपके पास क्या, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार। तो मैंने यहाँ पर गाइस आधार चूज़ किया था, तो आप भी यहाँ पर आधार चूज़ कर सकते हो। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर लें। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपसे पैन कार्ड वगैरह मांगा जाएगा। उसके बाद में पैन कार्ड का फोटो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर पैन कार्ड वगैरह सब कुछ यहाँ सबमिट कर सकते हो गाइस, तो यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको करना क्या है, ओके गॉट इट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर आपको जो आधार का फ्रंट साइड का जो है उसका फोटो ले लेना है, यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद में आपका जो आधार का बैक साइड का फोटो अपलोड कर देना है। एंड उसके बाद में गाइस आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका काम यहाँ होता है ख़त्म। उसके बाद में गाइस यहाँ पे बोला जाएगा टेक अ सेल्फी, अगर आपके पास फोटो पहले से तो आप यहाँ पर फोटो डाल सकते हो, ठीक है अपना। एंड फोटो डालने के बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना नेम डाल देना है, ठीक है। तो नेम डालने के बाद कोई भी नंबर डाल देना, तभी यहाँ पर आपका नेक्स्ट का यहाँ ऑप्शन शो करेगा, तो यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पर अपना डिटेल भरना, डिटेल में आपको यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ पहले से लेकर रहेगा गाइस। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आओगे तो थोड़ा भर देना फॉर्म। तो यहाँ पर देखो गाइस आपसे यहाँ पूछा जाएगा व्हाट्सअप नंबर है ये कि आपका नहीं है, तो आपको अगर व्हाट्सअप नंबर है तो आप यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। एंड उसके बाद गाइस आपको एक अलग से दूसरा नंबर देना होगा, जिससे कि आपके पहला जो मेन अकाउंट का जो नंबर है जो आपने दिया था स्टार्टिंग में, अगर उस पर फ़ोन नहीं लगता तो आप वो लोग दूसरे नंबर पे फ़ोन करेंगे तो आपको उठा लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद में गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो आपका परमानेंट एड्रेस है फ्रेंड्स, वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। आपका एड्रेस वगैरह यहाँ पर फिल करने के बाद गाइस यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका करेंट एड्रेस चूज़ कर लें जहाँ पर आप रहते हो, ठीक है गाइस। एंड उसके बाद में गाइस आप जिस कॉलेज में पढ़े हो आपको वो वाला कॉलेज का पिन कोड डाल देना। उसके बाद कॉलेज का नाम डाल देना है।
एंड उसके बाद ना गाइज यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने कॉलेज जाना कब से स्टार्ट किया तो आपको यहाँ पर मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर मार्कशीट अपना अपलोड करना तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन स्किप पे यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है गाइज। एंड यहाँ पर गाइज आपको ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद गाइज आपका काम यहाँ फाइनली ख़त्म होता है। अब गाइज यहाँ पर अन नाउ पे क्लिक करना है। अन नाउ पे क्लिक करने के बाद आपका जो लिंक है गाइज व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है। जो आप यहाँ पर 50% देख रहे हो गाइज 100% हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो गाइज यहाँ पर सब में देखो 100% लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पर टिक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो गाइज यहाँ पर टिक सब में लग जाता है, तो यहाँ पर आपका सक्सेसफुली अप्रूव हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर गाइज एप्लीकेशन का इंटरफेस देख लो। अगर गाइज यहाँ पर आपको लोन वगैरह चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ एरो पे क्लिक करना है। अगर आपको 500 रुपये चाहिए तो यहाँ पर 500 रुपये सेलेक्ट कर लेना। जैसे सेलेक्ट कर लेते हो गाइज तो यहाँ पर नीचे लिखा रहेगा यू रिपे आफ्टर, तो यहाँ पर गाइज 1 मंथ में आपको देना रहेगा, ठीक है। 1 मंथ में यहाँ पर आपको 50 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, देख सकते हो गाइज, ठीक है। अगर आप यहाँ पर 1000 लेना चाहते हो गाइज तो यहाँ पर आपको 100 रुपये देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर आप यहाँ पर 2000 लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा 1 मंथ के अंदर, ठीक है गाइज। अब गाइज आपको यहाँ पर लिमिट और भी इंक्रीज़ करना है तो आपको करना क्या, अप्लाई फॉर लिमिट इंक्रीज पे क्लिक कर लेना है। जिस इस पर आप क्लिक करते हो ना गाइज तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा जाएगा कि हर महीना आपके पेरेंट्स कितना पॉकेट मनी देते हैं, ये सब वगैरह आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन वगैरह भर देना है। एंड गाइज यहाँ पर आपका लिमिट और भी इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। जितने का आप लोन लेना चाहते हो तो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा टूटने का, और आज ज़्यादा आप ले सकते हो लोन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर ले ऑल पर क्लिक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।